मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिर्ज़ापुर में गुड्डू पंडित को देखने के लिए। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक स्टूडियो में बैठी हूँ जहाँ मैं इकलौती लड़की हूँ। अगर मुझे यहाँ अपनी सेफ्टी का डर हो तो मैं आपके लिए इंटरव्यू भी नहीं कर सकती। मी टू मूवमेंट इंडिया में फ़ेल हो गया है या बॉलीवुड में फ़ेल हो गया, मैं ये नहीं मानती। दरअसल करण ओबेरॉय, जिनकी वजह से मेंटू हैशटैग बना और लोग आगे आए, कई बार वो FIR दर्ज करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि केस सच्चा नहीं है। यू आर वर्किंग पंगा, आपका प्रेप क्या था बिफोर यू स्टार्टेड वर्किंग? पंगा फिल्म के लिए मुझे एक कबड्डी प्लेयर का रोल निभाना है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की टीम के लिए कबड्डी खेल चुकी है। तो करीब 2 से 3 महीने की कबड्डी की ट्रेनिंग और काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जिम में, खासकर जो आपकी टांगों को और मजबूत करे। तो काफ़ी वेट ट्रेनिंग, जिसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपकी टांगों में कि किसी और का वज़न उठा के उसको उठा के गिरा सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग थी बहुत सारी। और बाकी एक्सेंट का काम था, वो तो यूपी बिहार टाइप का एक्सेंट था, वो मैंने मुझसे आसानी से हो गया। कंगना के साथ काम करके आपको कैसा लगा? कंगना अच्छी हैं, काफ़ी प्रोफेशनल हैं, उनके बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। मुझे लगता है उनका दिमाग काफ़ी सिनेमैटिक है, उनको कैमरा टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर डायरेक्टर के साथ उनका रैपो बन जाए तो इट्स एन एसेट। शकीला फाइनली हाँ साल रिलीज हाँ हो रही इस है, हाँ आपको कैसा लगा? शकीला इसी साल रिलीज़ हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि वो बहुत एक अनोखी फिल्म है मेरे लिए। मैंने बायोपिक पहले कभी किया नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत की बायोपिक है जो खुद अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल रही हैं और जिनमें बहुत एक निडरता है, जिस चीज़ से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए इस तरह का रोल करना, और मुझे यकीन है कि लोगों को अच्छा लगेगा। मी टू की शुरुआत हुई है और आप हमेशा से स्ट्रॉन्ग चीज़ों के बारे में वॉइस करती हैं, इस पर आपका क्या सोच है जब जो हो रहा है मी टू? देखिए, जो मी टू मूवमेंट है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई नई बात नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन हमेशा रहता है जब एक एक इंसान किसी पावर की पोजीशन में होता है और दूसरा बंदा, दूसरी लड़की या लड़का एक कम सशक्त रोल में होता है। तो ये एक इम्बैलेंस होता है जहाँ जो जो शक्तिशाली है और जो कमज़ोर है उस पे हावी होता है। चाहे ये शोषण सेक्सुअल हो, चाहे ये मॉनेटरी हो, यानी कि पैसे को लेके हो, लेन देन को लेकर, ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अपनी पूरी पोटेंशियल और क्षमता पाने से रोकता है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ में कदम उठाए हैं। मुझे लगता है भारत को भी इस तरह से, इस दिशा में अच्छे कदम उठाने चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मी टू मूवमेंट इंडिया में फ़ेल हो गया है या बॉलीवुड में फ़ेल हो गया, मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर, बहुत सतह की चीज़ें हैं। इसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पे डायलॉग होना चाहिए, लोगों को इतनी हिम्मत देनी चाहिए कि उनके साथ अगर कोई घटना घटी है तो वो आगे आके बात करें। एक यूनियन होना चाहिए जो इन मुद्दों को उठाए, जिसमें लॉयर्स भी हों, साइकियाट्रिस्ट भी हों, काउंसलर्स भी हों, प्रोड्यूसर भी हों, डायरेक्टर भी हों। क्योंकि सच तो ये है कि अगर किसी भी जगह 50% लोग सेफ महसूस नहीं करते तो वो चीज़ कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। अभी मैं एक लड़की हूँ, मैं एक स्टूडियो में बैठी हूँ जहाँ मैं इकलौती लड़की हूँ। अगर मुझे यहाँ अपनी सेफ्टी का डर हो तो मैं आपके लिए इंटरव्यू भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है। मेन टू की शुरुआत भी हुई है, इसके ऊपर आपका क्या सोच है? दरअसल करण ओबेरॉय, जिनकी वजह से मेंटू हैशटैग बना और लोग आगे आए, वो मैं उनको जानती हूँ। इनसाइड एज जो शो है उसमें मैंने उनके साथ काम किया है, और मुझे पता है कि उनकी जो सिचुएशन थी वो स्टॉकर वाली सिचुएशन थी क्योंकि वो पहले इस बात को एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो
किसी भी केस को फेस वैल्यू पे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जैसा समाज है, जैसे कई बार रेप विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिलता, वैसे ही लड़कों को भी गलत केसेस में फंसाया जाता है। हम अगर बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हमें दोनों पक्षों को इक्वल तरह से देखकर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि हर झूठा रेप केस पुलिस की एनर्जी और टाइम को वेस्ट करता है। फिर पुलिस को FIR तक दर्ज करने में बहुत वो लोग आनाकानी करते हैं, कई बार पावर और करप्शन की वजह से करते हैं। पर ये भी सच है कि कई उन मैंने काफ़ियों से पूछा एक फिल्म के सिलसिले में, तो ये भी बात सामने आई कि कई बार वो FIR दर्ज करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि केस सच्चा नहीं है। तो जो लोग सच्चे हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक झूठे केसेस को साइड ना किया जाए। तो इस हमें समाज की तरह इस विषय पे सोचना चाहिए। ज़ायरा वसीम ने क्विट करने का सोचा है बॉलीवुड, उस पर आपका क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि मैं भी 17-18 साल में हर रोज़ अपना दिमाग बदलती थी। अभी उनका एक और कुछ ट्वीट आया है कि उनका फेसबुक हैक हो गया था, वो ऐसा नहीं करना चाहती, वो बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है इसको डिस्कस करना बहुत फालतू है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, जो उनकी मर्ज़ी वो करें। अली फजल का देसी अवतार लोगों को पसंद आ रहा है जी। मिर्ज़ापुर 2 को लेकर कितनी एक्साइटेड आप खुद हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिर्ज़ापुर में गुड्डू पंडित को देखने के लिए, क्योंकि अली ने वो किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया है, उस पर बहुत मेहनत की है, शारीरिक मानसिक शो में बहुत हिंसा है। तो मुझे लगता है पिछली बार की तरह मैं हिंसा वाले पोर्शंस को फास्ट फॉरवर्ड करके ही शो को देखूँगी, और मैं उस शो के लिए मुझे अली पर बहुत गर्व है। हाय गाइस, मैं हूँ ऋचा चड्ढा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ हिंदी रश को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी रश को आप सोशल मीडिया पे फॉलो भी कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।